सो गाइज, अगर आपके पास एक लो डिवाइस फ़ोन है, चाहे वो 1 GB रैम का हो, 2 GB या 3 GB रैम तक, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आईटेल का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, रेडमी का हो, सैमसंग का हो, किसी भी कंपनी का हो, अगर वो लैग करता है, कभी कभी हैंग भी करता है और ज़्यादा हीट हो जाता है, और कभी कभी आप जो है वो एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वो एप्लीकेशन जो है वो ऑटो क्रैश हो जाती है, यानी कि ऑटो बैक हो जाती है, और उसके बाद जो है आप एप्लीकेशन को ऑन करते हैं तो काफ़ी देर लगाती है वो ओपन होने में। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आज मैं आपको 4 एंड्रॉयड सेटिंग बताऊंगा जिनका यूज़ करने से आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आपका जो मोबाइल है वो जो है नॉर्मली रन करना शुरू कर देगा। सो गाइस, आपको करना क्या, अपनी सेटिंग्स को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो सिस्टम पे जाना है। यहाँ पर आपको एक सेटिंग देखने को मिलेगी, डेवलपर ऑप्शन। अगर आपके फ़ोन में अभी तक डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है तो आपको क्या करना है, अबाउट फ़ोन पर जाना है। यहाँ पर आपको बिल्ड नंबर दिखाई देगा, इस पर 7 बार जो है आपको टैप करना है। जैसे आप 7 बार टैप करोगे तो आपको एक नई सेटिंग ओपन होती दिखेगी, डेवलपर ऑप्शन, आपको इस पे जाना है। और यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑफ होगी, सबसे पहले ऑन कर लेना, और जो जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ उनको आपको ऑन कर देना है, जिससे आपका फ़ोन में ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ सेटिंग यहाँ पर बताऊंगा। सो गाइज, यहाँ पर ये आएगी पहली विंडो एनिमेशन स्केल। सो गाइज, यहाँ पर आपके फ़ोन के हिसाब से कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसको आपको एनिमेशन ऑफ करना है। दूसरे में भी गाइज आपको ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल में एनिमेशन को ऑफ करना है। तीसरे में भी एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल को एनिमेशन ऑफ करना है। इन तीनों को ऑफ करने से क्या होगा कि आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे वो जल्दी से जल्दी ओपन होने की कोशिश करेगी, यानी कि आपके जो फ़ोन के सेंसर है वो जो ज़्यादा अलर्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपको नीचे एक और सेटिंग दिखेगी, यहाँ पर फोर्स 4x MSAA, आपको गाइज इसको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो आप कोई भी गेम खेलते हो उसके ग्राफिक ज़्यादा सही हो जाएंगे और आपकी फ़ोन और गेम दोनों काफ़ी कम लैग करेंगे, यानी कि लैग नहीं भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक और सेटिंग यहाँ पर दिखेगी, डोंट कीप एक्टिविटीज़। गाइज, इसको ऑन करने से क्या होगा कि आप जिस भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उसके बाद जो है उसको ऑटो बैक करेंगे तो वो बैकग्राउंड से अपने आप ही रिमूव हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपके फ़ोन जो है वो गाइज लैग नहीं करेगा, आपके फ़ोन की स्टोरेज बची रहेगी, बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन नहीं चलेगी तो आपके फ़ोन जो है नॉर्मली रन भी करेगा। उसके बाद गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है, तो गाइज यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड लिमिट कर देना है, आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी कर सकते हैं, जिससे आपके जो है वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन करेगा। सो गाइज, ये थी कुछ सेटिंग, आपको उसको जो है वो ऑन कर लेना है, जिससे आपके फ़ोन में सारी प्रॉब्लम्स जो है दूर हो जाएंगी, आपका फ़ोन जो है हीट भी नहीं होगा ज़्यादा, जिससे आप नॉर्मली अपने फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं। और गाइज, आपको 1 वीक में अपने फ़ोन को रीस्टार्ट यानी कि रिबूट जरूर करना है। गाइज, मैं रीस्टार्ट बोल रहा हूँ, रीसेट नहीं बोल रहा, रीस्टार्ट अलग चीज़ होती है और रीसेट अलग चीज़ होती है, आपको रीस्टार्ट करना है, जिससे आपके फ़ोन में कोई भी बग होंगे तो वो जो है ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, जिससे और भी ज़्यादा स्मूथली आपका फ़ोन रन मतलब आप फ़ोन को चला सकते हैं। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँ तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।